आज संविधान दिवस के अवसर पर देश को एक प्रगतिशील और मजबूत लोकतांत्रिक संविधान देने वाले आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर को भी मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है, और मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म संविधान है। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मानवता की आशा है और जीवन जीने का एक माध्यम है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के सदुपयोग पर बल दिया, न कि दुरुपयोग पर। उन्होंने कहा कि यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति हूंगा। जैसा कि हमारे रिस्पेक्टेड फादर एमके जोश ने बताया कि संविधान में कोई त्रुटि नहीं है। संविधान बनाने वाले जो बाबा साहेब अंबेडकर थे, उन्होंने संविधान को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट तरीके से बनाया, लेकिन संविधान यदि असफल होता है तो उसमें संविधान का कोई दोष नहीं है, बल्कि व्यक्तियों का दोष है, यहाँ के नागरिकों का दोष है कि वो संविधान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान को समझने के लिए इसे पढ़ना बेहद आवश्यक है। जैसा कि एक बहुत ही फेमस पोएट है संजीव कुमार विश्वास जी, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, तुम्हारे हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं।